A very very good evening to all of you and most welcome to our channel जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे हैं बेटा हम आप सभी लोग बताइए। अपना यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल या डीजल मैकेनिक का तो नहीं बोलूँगा, अपना मैकेनिक एमएमई जो ट्रेड आपकी मैकेनिक मोटर व्हीकल इसी का आपका टॉपिक गियर एंड गियर बॉक्स चल रहा था। और जहाँ तक मेरा मानना है आपका गियर बॉक्स स्टार्ट नहीं हुआ अभी, है ना। गियर चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ गियर चल रहे हैं। आपका लास्ट अपन ने हेरिंग बोन गियर को पढ़ा था यानी डबल हेलिकल को पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने बेवेल गियर को कल पढ़ा था जो कि 90 डिग्री के एंगल पर अगर अपन को पावर ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए जो सबसे सूटेबल टाइप का जो गियर था वो आपका बेवेल गियर था। और बेवेल गियर जो था वो भी सर दो प्रकार का होता है, एक स्पायरल होता है एक स्पर वाला होता है। स्पायरल की मैं बात करूँ जहाँ पे टीथ जो होता है वो कार्ड होता है, वहीं जो आपका स्पर बेवेल गियर जो होता है उसमें स्ट्रेट टीथ रहते हैं, है ना। और वहीं मैं बात करूँ उसके अलावा अपन ने रैक एंड पिनियन जो है गियर वो भी पढ़ा था, जहाँ पे आपने देखा था कि रैक एंड पिनियन, रैक आपकी एक सीधा गियर होता है, मैं बोलूँगा स्ट्रेट गियर होता है, रेखीय गति करता है वहाँ पे। वहीं आपका जो पिनियन होता है वो एक राउंड या रोटेरी टाइप का गियर होता है यानी एक सर्कुलर गियर होता है। और बेसिकली ये जो आपका रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म जो होता है वो आपके रोटेरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रेसिप्रोकेटिंग बोलूँ या लीनियर मोशन बोलूँ, बात एक ही है ना। रोटेरी को लीनियर मोशन में और लीनियर को वापस रोटेरी में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सा गियर यूज़ करना है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म या रैक एंड पिनियन गियर आपको यूज़ करना है वहाँ पे। यानी आपकी घूर्णन गति को रेखीय गति में और रेखीय गति को घूर्णन में अगर कन्वर्ट करना है आपको, जो कि अपन ने कल देखा भी था उसमें कौन कौन से थ्रस्ट रहेंगे, एक्सियल थ्रस्ट होगा नहीं होगा, एट ए टाइम कितने टीथ कॉन्टेक्ट में होंगे, ये भी अपन ने देखा, है ना। तो कल अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, जहाँ तक मेरा मानना है अपन ने रैक एंड पिनियन जो आपके गियर होता है उसको अपन ने कल देखा था। उसी सिक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और अभी आपका सबसे लास्ट या अंतिम जो गियर रहेगा वो रहेगा वॉर्म गियर, है ना। तो हेडिंग डालिए वॉर्म गियर। इंजीनियरिंग पीपल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटाओं। हाँ तो हेडिंग क्या डालेंगे, वॉर्म गियर। नंबर कौन सा है, 7वां। यार ये मक्खियां, कुछ कुछ आपको रैक एंड पिनियन जैसा नजर आ रहा है क्या, कुछ कुछ रैक एंड पिनियन जैसा नजर आ रहा है। वहां पे जो आपका राउंड टाइप का जो गियर था वो ऊपर था और रैक जो थी वो नीचे थी, यहाँ पे वो चीज ऊपर हो गई और नीचे, बस अंतर किस में आ गया, टीथ में। वहां पे स्पर यानी स्ट्रेट टीथ थे आपका जो रैक था, यहाँ पे रैक के अंदर राउंड राउंड टीथ होते हैं। आपने देखा होगा जो गन्ने वाली मशीन में साइड में लगा होता है ये वाला, या आपने आपके गांव के अंदर चारा काटने की मशीन होती है उसमें भी लगा होता है ये। अगर आप कभी ध्यान से देखना, करेगा क्या, ये भी वही करेगा, रोटेरी को लीनियर में लीनियर को रोटेरी में कन्वर्ट कर देगा, है ना। और इसमें फायदा क्या होता है, इसमें फायदा ये होता है कि आपका जो टीथ जो होता है वो अंगेज बहुत ही स्मूथली होता है, मतलब पता भी नहीं लगता आपका, झटका तो दूर की चीज पता भी नहीं लगता, क्योंकि देखो ये घूमता रहेगा और इसके साथ अटैच होता रहेगा अपने आप, तो काफी स्मूथ ऑपरेशन हो जाता है। वहीं अगर रैक एंड पिनियन की मैं बात करूं तो विक्की मीणा गुड इवनिंग, दीप भाटिया, थैंक यू सर, आपके वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच बेटा, अगर आपके कुछ हेल्प हो रही है तो ज़रूर देखिएगा। एनकरेजिंग पीपल बोला सर, लव यू सर। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, क्या बात है, अच्छी बात है। क्योंकि अपने यहाँ पे आईटीआई के प्लेटफॉर्म के ज़्यादा बच्चे देखते हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले तो कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये आपका कौन सा गियर है? वॉर्म गियर, जहाँ पे आपके टीथ जो होता है, जो आपका ये पिनियन जो होता है, सॉरी रैक जो होता है, वो स्पाइरल टाइप का होता है ना, पूरा का पूरा उसकी सरफेस पे चारों तरफ चूड़ियाँ बनी होती है एक तरीके से, वो भी कर्व्ड है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसा रैक एंड पिनियन में थोड़ा सा झटका लगेगा एंगेजमेंट के समय, यहाँ पे वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक्सियल थ्रस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि स्पाइरल है पूरा, है ना। तो स्पाइरल है तो चलता हुआ थोड़ा सा धक्का तो मारेगा इसको, है ना, बराबर है। और यहाँ रही बात शाफ्ट की, तो शाफ्ट यहाँ पे एक दूसरे के, यानी जो आपकी दोनों गियर एक्सेस होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होती है। कैसे? इस वाले की तो गियर एक्सेस ये हो गई, और इस वाले में अगर आप शाफ्ट डालेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो एकदम परपेंडिकुलर। यानी आपको 90 डिग्री पे अगर पावर ट्रांसमिट करनी है तो आप इस गियर का प्रयोग कर सकते हैं, बराबर है। इस गियर का फायदा ये भी होता है कि इसका जो गियर रेशियो रहता है वो काफी अच्छा रहता है ना। आपको अगर बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिट करनी हो लगातार, वो भी, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं नॉन स्टॉप अगर आपको, है ना। तो इसको दिखाई दे रहा है ना ऑनलाइन वालों को भी। पहला पॉइंट इसका लिखो, टीथ क्या होते हैं? एंगल पे होते हैं, और एक्सेस के साथ एंगल पे भी होते हैं। देखो ये भी एंगल पे है और वो भी एंगल पे रहता है, और कर्व्ड भी रहते हैं। तो इस गियर में बेटा वो लाइट पीछे से ऑन करना, रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे। ठीक है, अब ठीक है। इस गियर में गियर टीथ गियर अक्ष से कुछ कोण पर झुके होते हैं, साथ में वक्रीय है, यानी कर्व्ड भी रहते हैं, वो अपने एक्सेस पे भी घूमे रहते हैं ना, कर्व्ड। वक्रीय भी, यानी यहाँ पे टीथ एक तो अपने एक्सेस से एंगल पे भी होता है ना, गियर एक्सेस से एक एंगल पे, जैसे ये गियर एक्सेस है तो इससे कुछ एंगल पे भी है, और कर्व्ड भी है, मतलब लगातार कर्व चेंज करता जाएगा आपका टीथ जो है ना। विजय मीणा सर क्लास में एड आ रहे हैं। अच्छा, देखो ये एड वगैरह का तो मुझे आइडिया नहीं है कैसे हटेंगे, शायद ये YouTube का रहता ही है, ऐड वगैरह का तो आता ही है। दीप भाटिया क्या बोल रहे हैं? सर मेरा सेल का एग्ज़ाम है तो रिवीजन कैसे करूं, गाइडेंस दीजिए थोड़ा सा। कब का एग्ज़ाम है दीप भाटिया जी? एग्ज़ाम कितना समय बताइए आप, और ट्रेड कौन सी है, डीजल है या मोटर मैकेनिक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, कितने टीथ, जब आपका गियर मैश होगा तो कितने टीथ कांटेक्ट में रहने वाले हैं? मोर देन वन, क्योंकि यहाँ पे स्पर गियर नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे कैसा गियर है, एक तरीके से हेलिकल ही है, या मैं बोलूँ इस आपके जो दोनों टीथ है वो कर्ड हैं, तो एट ए टाइम मोर देन वन जो टीथ होते हैं वो आपके क्या रहेगा, मैश में रहेगा। यानी गियर मैश के समय एक से अधिक टीथ एक साथ संपर्क में रहते हैं। 3 तारीख को है डीजल मैकेनिक है। सर क्लास कब से लगेगी प्लीज़ बताइए। कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं विजय मीणा? क्लास में ऐड आ रहे हैं, कब से लगेगी प्लीज़ बताइए। विजय मीणा सर क्लास कब से लगेगी प्लीज़ भाई, कौन सी क्लास की बात कर रहे हो भाई? है सुबह डीजल की क्लास नहीं होती। राहुल प्रजापत कुछ कह रहे हैं सर टीथ के बीच में गैप कितने mm का होता है? देखो बेटा टीथ का जो बीच का जो गैप होता है वो फिक्स नहीं रहता है, ध्यान रखना है ना। उसमें कुछ आपको क्लियरेंस देने पड़ते हैं, जिसका जैसे एक तो आपका बैकलैश होता है ना, बैकलैश भी क्लियरेंस यानी वो गियर के साइज और टाइप के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। अडेंडम डिडेंडम और वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद गैप दिया जाता है ना, अपने हाथ में नहीं होता है गैप। मतलब ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता कि इतना ही होगा गैप। आगे बढ़े, नेक्स्ट एक्सियल थ्रस्ट मिलेगा क्या? मिलेगा, क्योंकि कर्व टीथ है तो एक्सियल थ्रस्ट तो मिलेगा। पानी की बोतल ले आना बेटा उधर से जाके। क्या लिखोगे कि सर आपके टीथ जो होते हैं वो कर्ड होने की वजह से है ना, यहाँ पे आपको गियर एक्सिस के साइड क्या मिलेगा, एक थ्रस्ट एक धक्का मिलेगा। एक्सियल थ्रस्ट मैंने आपको समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। एक्सियल थ्रस्ट एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये आपकी गियर एक्सिस है, जब ये स्लाइड करेगा तो गियर हल्का सा इधर उधर हो जाता है, कारण कर्व टीथ होता है तो लास्ट में जाते जाते टाइम हल्का सा आगे पीछे कर जाता है उसको, है ना। जैसा ये वाला टीथ में भी अगर कर्व होंगे तो इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको एक फोर्स मिलेगा जिसको एक्सियल फोर्स या एक्सियल थ्रस्ट कहा जाता है, बराबर है। तो लिखो कर्व्ड यानी वक्रीय टीथ होने के कारण, वक्रीय टीथ होने की वजह से एक्सियल थ्रस्ट अक्षीय धक्का या अक्षीय बल बोल सकते हो आप इसको ना, एक्सियल थ्रस्ट मिलेगा। हाँ तो सबसे पहले एक बच्चा दीप भाटिया का मैं बात करना चाहूँगा। इलेक्ट्रिकल टेक्निकल की ऑनलाइन क्लासेस एएलपी के लिए, तो विजय मीणा मैं आपको बता दूं आपकी क्लासेस सुबह, इलेक्ट्रिकल वालों की तो सुबह लगती है, जुगल सर पढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स नेहा मैडम पढ़ाती हैं, तो सुबह के टाइम संपर्क कीजिए आप। और वहीं एक बच्चा है जिसका एग्ज़ाम है दीप भाटिया का, और डीजल ट्रेड है 3 तारीख को है ना। तो बेटा ऐसा है दीप भाटिया, मैं आपको बता दूँ डीजल मैकेनिक का मैंने क्रैश कोर्स करवा रखा है ना। आप अपने ऐप पर जाना और वहाँ पर मैंने करीबन 20 से 25 क्लासेस के अंदर पूरा कोर्स करवा रखा है। एक तरीके से देखना आप क्रैश कोर्स के नाम से मिलेगा आपको, या शायद यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो MPTO क्रैश कोर्स या MPTO डीजल मैकेनिक थ्योरी क्लासेस आप डालोगे तो वहाँ पे आपको देखने का मिल जाएगा। MPTO डालना ना, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का एक एग्जाम हुआ था, उसके लिए मैंने क्रैश कोर्स करवाया था। तो आप ऐप पे तो 100% मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। तो लगभग आप उसको डबल स्पीड में भी देखोगे तो ये आपका करीबन 4-5 दिन 6 दिन में पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे देख सकते हैं आप। आगे बढ़े, अंतिम पॉइंट क्या है, इस गियर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो दोनों गियर एक्सेस होती है वो परपेंडिकुलर होती है नहीं होती बताओ? तो वॉर्म गियर में भी दोनों गियर अक्ष एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। दूसरा, इस प्रकार के गियर का प्रयोग भी आप कहाँ पे करोगे? अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक फायदा और मिल जाता है। क्या फायदा मिलेगा आपको कि यहाँ पे आप नॉन कोप्लेनर, मतलब समझे, रैक एंड पिनियर में दोनों परपेंडिकुलर होंगे लेकिन एक ही प्लेन में होना जरूरी है। यहाँ पे जरूरी नहीं है एक ही प्लेन में, क्योंकि कर्व टीथ है तो हल्का सा प्लेन चेंज कर सकते हो यहाँ पे, बराबर है। वहां पे क्या हो रहा था देखो, एक गियर एक्सेस ये थी और दूसरा मान लो पेन ले लेता हूं मैं, दूसरा कुछ ऐसे था लेकिन प्लेन सेम था। अगर मैं प्लेन की बात करूं तो जैसे ये मेरा हाथ, मैंने प्लेन को वर्टिकल कर लिया, पहले मेरा प्लेन हॉरिजॉन्टल था ये प्लेन वर्टिकल हो गया, तो ये नीचे वाला प्लेन है और इसके जस्ट सारे दूसरा प्लेन है, मतलब परपेंडिकुलर तो है लेकिन एक ही प्लेन में है, ध्यान रखना। किसमें? रैक एंड पिनियन गियर में। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अगर आपका ये वाला एक्सेस है तो आप थोड़ा सा इधर भी ले सकते हो, है ना, प्लेन चेंज कर सकते हो आप कर्व टीथ होने की वजह से, तो ये फायदा मिलेगा। तो ये चीज लिख सकते हैं, तो लंबवत होते हैं तथा नॉन कोप्लेनर। क्या हो रहा है, बस सर को बुलाना है यार, ये इसमें चल भी हार्ड रहा है, थोड़ा सा पेन भी फंस रहा है। इसमें कुछ नहीं, इधर कुछ प्रॉब्लम है बोर्ड में, एक तो चल भी पेन बहुत मुश्किल से रहा है ना, ये मिटाने का कुछ आ रहा है इसमें। एक बार वो कर दो, इसमें दिखे नहीं। साफ कर दो या तो इसको एक बार। डेटा ठीक है बेटा, अब ठीक है ना। हाँ, तथा दोनों गियर अक्ष गैर समतलीय नॉन कोप्लेनर हो सकती है, मतलब ये अपने पास फायदा इसके अंदर कि नॉन कोप्लेनर टाइप की हो सकती है। पार्टी हो गया। नीलम ऋषि का, सर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी? तो इलेक्ट्रॉनिक्स सुबह नहीं चल रही क्या? सुबह चल रही है बेटा, है कितने बजे से? 8 बजे से चलती है। नया मैडम पढ़ाती तो है इलेक्ट्रॉनिक्स, सुबह देखा करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इस गियर का प्रयोग भी अपन कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपको घूर्णन यानी रोटेरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना हो, यानी सर इस गियर का प्रयोग भी, इस गियर का प्रयोग भी घूर्णन गति को घूर्णन गति को रेखीय गति तथा रेखीय को घूर्णन गति में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका वॉर्म गियर। अब हेडिंग डालिए गियर ट्रेन। हेडिंग क्या डालेंगे? गियर ट्रेन। भाई जो आपकी ट्रेन जो होती है उसी से संबंधित कुछ पद हैं, है ना। जैसा आप लोग जो नॉर्मली अपने सभी लोग लोको पायलट बनेंगे, रेलवे से ही अपना पूरा ताल्लुकात है। मैं बात करें अपने वैकेंसी या अपना पूरा कोचिंग ही ट्रेन से लेना देना है। तो ट्रेन का मतलब वैसे भी आप लोग जानते हैं, मतलब कोई चीज़ एक के पीछे से सिक्वेंसल आप लंबी सीरीज बना दो, वो आपकी क्या कहलाती है? ट्रेन कहलाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी क्या होता है, गियर ट्रेन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि बीच में ज़्यादा गैप है ना, या मान लो आपको गियर के टीथ के आधार पर स्पीड और टॉर्क में वेरिएशन करना हो। अब गियर ट्रेन मतलब आपका गियर बॉक्स के अंदर है क्या? गियर ट्रेन ही तो लगाते अपन, पूरी गियर बॉक्स बनेगा ही उससे। तो उससे पहले समझ लो गियर ट्रेन होता क्या है। तो आपको अगर मान लो रिक्वायरमेंट या जरूरत के हिसाब से, जैसे आपका व्हीकल जब सड़क पे चलता है तो कोई एक फिक्स स्पीड भी नहीं होती है है ना। कभी आपको टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी, कभी आपको स्पीड की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपका ब्रेकर आया, अब आप क्या करेंगे, उस टाइम स्पीड चाहिए कि आपको नहीं चाहिए, क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो आप फटाफट गियर डाउन करते हैं, नहीं करते हैं। तो उस टाइम क्योंकि गियर डाउन करने का मतलब ये है कि आपको टॉर्क बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। जैसे फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, वैसे ही जैसे आपका ब्रेकर गया, फिर आप धीरे धीरे क्या करते हैं, आपको टॉर्क की कोई आवश्यकता नहीं, तो आपको क्या चाहिए, अब स्पीड चाहिए। तो आप क्या करोगे, फटाफट गियर चेंज करोगे, तीसरे चौथे पे लेके जाओगे, बराबर है। तो ये काम करने के लिए आपको गियर ट्रेन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी गियर का साइज छोटा बड़ा करके आप क्या करेंगे, एक गियर ट्रेन का निर्माण करेंगे, एक ट्रेन बनाएंगे अपन यहाँ पे। कहीं नजर आ रहा है क्या डायग्राम गियर ट्रेन का? फोटो भेजता हूं मैं, शायद है नहीं यहाँ पे फोटो। देखो इस प्रकार की आपकी गियर ट्रेन होती है, दिख रहा है आपको, क्योंकि शायद मुझे लग नहीं रहा है वहां पे चलेगी, है ना। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एक तो आपका ड्रिवन गियर होता है मेन जो आपका, और एक जो लास्ट में आपको जो ड्राइविंग चाहिए। अब उसमें कम ज्यादा करने के लिए बीच में आप इंटरमीडिएट गियर और लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे एक आप देख रहे होंगे, इस पे एक पुली पे ही दो गियर लगे हुए हैं। इस एक पुली पे एक तो बड़ा वाला गियर लगा हुआ है जो गियर सी है, और इसके ऊपर छोटा गियर भी लगा हुआ है, गियर बी है। जैसे आप साइकिल वगैरह में देखना, गियर वाली साइकिल के अंदर एक शाफ्ट पे दो तीन गियर लगे होते हैं, तो चैन ऊपर नीचे होती रहती है, उस आधार पे स्पीड चेंज होती रहती है ना। तो ये एक तरीके से ऐसे एक लंबी सी चैन बनाते हैं हम अपन लोग, जिसको अपन गियर ट्रेन बोलते हैं ना। और अगर अपने उसमें चल जाती है तो अच्छी बात है। चल जाएगी तो ये अपना ऐसा एक गियर ट्रेन, एक ऐसे सिंपल से गियर ट्रेन से आपको आइडिया लग जाएगा। प्लेयर हैज़ प्रॉब्लम व्हाइल प्लेइंग फाइल्स, द फॉर्मेट में नॉट बी सपोर्टेड एट प्रेजेंट, सपोर्ट नहीं करेगी। इसको अपन ऐसे डायग्राम ही यूज लेंगे, कुछ इस प्रकार की गियर ट्रेन रहती है आपकी। एक और डायग्राम ले लेते हैं, ये रहा। देखो इस प्रकार की आपकी गियर ट्रेन रहती है। यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे, एक ये आपका मेन इनपुट गियर होता है जो कि ड्रिवन गियर भी कहलाता है ना। ये एक शाफ्ट पे लगा होगा, मान लो इनपुट शाफ्ट होगी, बीच में एक और शाफ्ट है जिसपे दो गियर लगे हुए हैं, एक तो ये ब्लू कलर का, एक पीछे ग्रे कलर का। अच्छा, जब भी एक ही शाफ्ट पे आपके ज्यादा गियर लगे होते हैं तो उसको कंपाउंड गियर भी बोल देते हैं। कंपाउंड मतलब एक तरीके से मिक्सिंग वाला, कंपाउंड शाफ्ट या फिर कंपाउंड गियर भी बोलते हैं। बीच में देखो एक इडलर का भी प्रयोग किया गया है। एडलर में आपको पहले बता चुका हूं क्या काम करता है। इसका काम गियर रेशो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गियर रेशो में बदलाव ये करेगा, ये केवल आपकी डायरेक्शन को रिवर्स करने की है। यानी आप अगर रिवर्स गियर का प्रयोग करेंगे ना तो वहां पे एडलर ही लगाने पड़ेंगे आपको। जब मैं आपको गियर बॉक्स बताऊंगा ना तो वहां पे यही बार बार मैं एडलर का ही प्रयोग करूंगा। रिवर्स गियर लगाने के लिए। तो ये केवल उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, यानी गियर ट्रेन बेसिकली आपकी क्यों पड़ी जाती है, आप लोग जानते हैं कि गियर ट्रेन का पर्पज एक तो ये है कि आपको रिक्वायर्ड टॉर्क और स्पीड, यानी जो वेरिएशन अगर आपको करना है, अगर स्पीड में वेरिएशन करना है, टॉर्क में करना है, तो उसके लिए आप गियर ट्रेन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, आप ये चाहते हैं कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दें, तो उसके लिए भी आपको गियर ट्रेन बनानी पड़ेगी। यानी यहाँ पे आपको ड्रिवन और ड्राइविंग गियर के अलावा भी दो चार गियर और लगाने पड़ेंगे, तभी गियर ट्रेन कहलाएगी वो ना। तो ये बीच के जो आपके गियर लगे होते हैं या इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या कहलाता है आपका गियर ट्रेन। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि सर इससे स्पीड पे इडलर का तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, है ना, तो इनका पड़ेगा, क्योंकि आप जब ये छोटे गियर का प्रयोग करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, टॉर्क मिलेगा, है ना। तो कोई बोले कि सर ऐसे जब कोई बहुत बड़ी गियर ट्रेन आ जाए तो उससे स्पीड रेशियो क्या या क्या रहेगा, मतलब अपन कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे सपोज करो आप मान लो इस गियर को आप 1 नंबर दे दो, इसको आप 2 नंबर दे दो, इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो। इसको मैं क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो इडलर है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब स्पीड रेशियो अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज मैं बता चुका हूं कि स्पीड और टॉर्क दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या मैं बोलूं सीधा सीधा कि स्पीड और उस गियर पे जो टीथ हैं वो एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। समझ रहे हो कहानी, टीथ टी बोले तो टीथ, अगर टीथ ज्यादा होंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, जैसा कि आपका बड़ा गियर होता है। फर्स्ट गियर में ये होता है कि जो गियर का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने का मतलब नंबर ऑफ टीथ क्या है, ज्यादा है। तो नंबर ऑफ टीथ ज्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। और अपन जानते हैं स्पीड और टॉर्क जो होते हैं वो टॉर्क टी, अपन इसको इसे टाउ से शो करूंगा मैं टॉर्क को, क्योंकि टी अपन टीथ को ले रहे हैं, है ना, तो उसको अपन टाउ से लेंगे, है ना, टाउ कुछ ऐसा होता है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ, ये चीज मैं लिखवा चुका हूं, आप ध्यान से पढ़ना। मैंने एक लाइन में लिखवाया था, वहां पे एक पूरी लाइन लिखवाई थी कि स्पीड डायरेक्ट रिवर्स आपके इन्वर्सली होता है टॉर्क के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टीथ के, वहां पे देखना लिखवाया था मैंने आपको। तो आप देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ टीथ बढ़ेंगे, ओके सर थैंक यू, अगर नंबर ऑफ टीथ आप बढ़ाओगे तो उस केस में स्पीड डाउन हो जाएगी और टॉर्क बढ़ जाएगा। ये मैं आपको रिलेशन पहले लिखवा चुका हूं, अब ये वापस लौट के आ रहा है ना, क्योंकि यहीं से अपन फॉर्मूला डिसाइड करेंगे कि टीथ के आधार पर, टीथ के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे टीथ ही बदल रहे हैं, तो टीथ के आधार पर आपके फाइनल आउटपुट, यानी अभी तक तो अपन केवल 2 गियर की बात कर रहे थे। अगर गियर रेशियो निकालना था, जैसे मैंने निकाल लिया 1:2, ये गियर रेशियो निकला था, तो यहाँ पे दो ही गियर का प्रयोग किया था। अभी तक अपन इतना ही पढ़ रहे थे कि पहला अगर आपका जो गियर है, आपका जो गियर है वो 1 पे चल रहा है तो दूसरा 2 पे चल रहा है, मेरा मतलब बस इतना ही था। अभी बीच में बहुत सारे गियर आ गए, तो इसका स्पीड रेशियो कैसे निकालेंगे, तो अपन जानते हैं कि n जो होता है, यानी स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टीथ के। पहली बात करूं मैं, मान लेता हूं पहले गियर के अंदर स्पीड n1 थी और टीथ कितने थे, t1 थे। सेम यहाँ पे n2 t2, n3 t3, n4 t4। तो मैं अगर बात करूं सबसे पहले और दूसरे गियर की बात करूं, पहले और दूसरे गियर की बात करूं, तो मान लो पहले की टीथ की स्पीड n1 है, दूसरे की n2 है, तो अपन जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टीथ के, तो टीथ इनवर्सली है मतलब t2 तो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाय t1। ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, मान लो इसको इक्वेशन 1 है। फिर मैं बात कर रहा हूँ 2 और 3 की बात करूँ, तो 2 और 3 की बात करूँ तो n2/n3 आएगा नहीं आएगा, बराबर क्या आएगा, t3/t2। ऐसे ही 3 और 4 में निकालोगे तो क्या आएगा, n3/n4 इज इक्वल टू क्या आएगा, t4/t3 आएगा नहीं आएगा। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अब अपन को एक गियर ट्रेन के अंदर ओवरऑल स्पीड रेशियो निकालना है, तो इन सारी की सारी इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन बनेंगी आपको प्रत्येक में ऐसे बनाना है, 1 और 2 में बना, अभी यहाँ पे 4 थे, हो सकते हैं 6 भी हो, 10 भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही अप्रोच लगानी है आपको। अब कोई बोले कि सर इन सारों को गुणा कर दो, तो कर दो, यानी n1/n2 गुणा n2/n3 गुणा n3/n4। एक साइड लिख ली मैंने n1/n2, n2/n3, n3/n4 लिख लिया। इसके बराबर की मैं बात करूं, बराबर क्या चल रहा है, T2 बटा T1, T3 बटा T1 यानी T2 बटा T1 इंटू T3 बटा T2, T3 बटा T2 गुणा T4 बटा T3, T4 बटा T3। ये है क्या नहीं बताओ। अब आप एक चीज देखोगे, N2 से तो N2 उड़ गया, क्या N2 से तो N2 उड़ गया, N3 से N3 उड़ गया, T2 से T2 उड़ गया, T3 से T3 उड़ गया, बचा क्या N1 बटा N4 यानी बराबर T4 बटा T1। सबको गुणा करने के बाद फाइनल ये अपना स्पीड रेशियो कहलाता है। ये क्या कहलाता अपना, अब देखो N1 कौन सा था, पहले वाले गियर की स्पीड, और N4 कौन सा है, चौथे का। तो अपन बीच वाला अब आगे से जब करेंगे तो बीच का तामझाम करने की जरूरत नहीं है आपको, आप केवल पहले और चौथे को डायरेक्ट ही कंपैरिजन करेंगे। अब देखो पहले और चौथे को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो अपन जानते हैं डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, N1 बटा N4 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा N1 बटा N4। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बना, T4 बटा T1, वो पहले भी पता लग रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो भाई ये वन है नीचे चला जाएगा, फोर ऊपर चला जाएगा, है ना। तो स्पीड रेशियो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, मतलब लाइन लिख लेते हैं, उसके माध्यम से आगे जब भी आएगा। तो स्पीड रेशियो क्या होता है, स्पीड ऑफ ड्रिवन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ड्राइव, स्पीड रेशियो। स्पीड ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ड्रिवन। ये चीज तो मैंने इनको लिख दिया, ये तो हो गया आपका ड्राइवर। इधर देखो मैंने ये नहीं को लिख रहा हूं, N1 बटा N4 लिख। N1 को क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं जो कि घुमाने वाला होता है, N4 जो कि उससे घूमेगा ड्रिवन बोलेंगे। बराबर क्या लिखूं, टीथ, नंबर ऑफ टीथ इन ड्रिवन। देखो ड्रिवन नीचे था, अब क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो नंबर ऑफ टीथ इन ड्रिवन उल्टा होगा, हो जाएगा, और ऊपर ड्राइवर है तो नीचे आ जाएंगे नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइवर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ये तो हो गया अपना मैथमेटिकल कंक्लूजन, जो डायरेक्ट अगर आपसे एग्जाम में ये पूछेगा स्पीड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं नंबर ऑफ टीथ इन ड्रिवन मेंबर डिवाइडेड बाय, यानी जो आपका ड्रिवन मेंबर है उसमें खांचे या दांते की संख्या, या डिवाइडेड बाय ड्राइवर के अंदर, बराबर है। वहीं बात करते हैं सर गियर ट्रेन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो नेक्स्ट में लिखो ऑटोमोबाइल वाहन में जरूरत के हिसाब से स्पीड बोले तो गति व टॉर्क की, या जरूरत के हिसाब से गति व टॉर्क को कम ज्यादा करने की आवश्यकता होती है। जिसको कि गियर ट्रेन के माध्यम से किया जाता है, या जिसको कि गियर की एक श्रृंखला बनाकर, एक सीरीज यानी श्रृंखला, जिसे गियर ट्रेन कहते हैं। गियर ट्रेन से वाहन की दिशा भी परिवर्तित की जा सकती है, यानी उसको रिवर्स भी कर सकते हो आप, है ना। अब हेडिंग डालिए गियर बॉक्स। क्या हेडिंग डालेंगे? गियर बॉक्स। तो ये गियर बॉक्स पहली बात किसका बना होगा? जो अभी अपन ने पढ़ी है गियर ट्रेन, है ना। यानी यहाँ पे आपका बहुत सारे गियर्स का एक सामंजस्य बिठाया जाता है, कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आपका अभी गियर ट्रेन में देखा था। और आपको मैं वहाँ पे लिखवा भी चुका हूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ना, जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जब आप सड़क पे चलेंगे तो आपको कभी तो रुकना भी पड़ेगा, फिर चल रहे हो, कभी स्लो हो रहे हो, फिर बढ़ रहे हो, गर्मी का समय है, चिपचिपाहट हो रहा है, या आपका टायर और उनके बीच में फ्रिक्शन वगैरह, तो आपको उसी आधार पे चलाना पड़ेगा। बारिश के टाइम आप थोड़ा स्लो चलाएंगे, है ना। तो इन सब के अंदर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको टॉर्क और स्पीड को अलग अलग करना पड़ता है। और आपको पता है कि यहाँ पे ये जो गियर होते हैं ये कभी तो उस स्पीड को टॉर्क में कन्वर्ट करेंगे, कभी उस टॉर्क को स्पीड में, क्योंकि पावर को एक तरीके से बांटना है। इनको कैसे बांटना है ना, या तो उसको कन्वर्ट करते हैं आपके टॉर्क के अंदर या फिर स्पीड के अंदर, है ना। तो कुछ इस मैकेनिज्म के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो लिखो इसमें सबसे पहले गियर बॉक्स के अंदर ये कुछ इस प्रकार का रहता है आपका गियर बॉक्स, है मतलब पूरे ताम जाम इस प्रकार लगे होते हैं। तो क्या होता है गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल वाहन को सड़क पर चलाया जाता है तो वाहन को कभी तो रोकना, कभी धीमा करना कभी तेज करना आवश्यकता होती है। और इसके लिए भिन्न भिन्न स्पीड व भिन्न भिन्न टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। जिसको कि गियर बॉक्स की सहायता से किया जाता है। कोई बोलेगा सर इसके लिए क्या करें, तो भैया इसके लिए आपको अलग अलग साइज के गियर लगाने पड़ेंगे, है ना। कि अपन कि सर ये भिन्न भिन्न कैसे होता है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई गियर बड़ा है, कोई छोटा है, कोई छोटा है। यहाँ पे देखो बेसिकली मैं बात करूँ, दो शाफ्ट का प्रयोग करेंगे। एक आपकी मेन शाफ्ट होती है जिसको अपन प्राइमरी शाफ्ट बोलते हैं, एक आपकी ले शाफ्ट होती है जो कि नीचे जो लगी होती है ले शाफ्ट होती है। मेन शाफ्ट जो कि आपके आगे ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी होती है, जिसके आगे आपका प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स वगैरह, सॉरी वो प्रोपेलर शाफ्ट और उसके बाद जो डिफरेंशियल वगैरह, एक्सेल वगैरह, वो मेन शाफ्ट होती है। दूसरी ले शाफ्ट होती है, इस पे अपन क्या करते हैं, एक तरीके से स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए अपन इस शाफ्ट का प्रयोग करते हैं ना। इसके अलावा एक क्लच शाफ्ट भी होती है आपकी, क्योंकि इसके जस्ट इधर क्लच भी तो लगी होगी ना, तो ये वाला गियर जो होता है वो एक तरीके से क्लच गियर ही कहलाता है, ध्यान रखना। देखो अपने चौथा जो गियर होता है ना वो क्लच गियर ही होता है, जो टॉप स्पीड वाला जो होता है ना वो डायरेक्ट क्लच वाला ही होता है। अगर मैं इधर बात करूं तो आपका क्लच गियर कौन सा होगा, अगर इधर अपन बढ़े ये वाला, ये गियर क्योंकि उल्टा है ध्यान रखना, उधर से स्टार्ट मतलब इंजन इधर होगा आपका, है ना, इंजन इधर होगा, तो ये वाला जो गियर रहेगा ये आपका क्लच गियर रहता है, बराबर है। यानी ये अंगेज और डिसएंगेज करने के काम आएगा, और ये गियर हमेशा इसके तो एक के कांटेक्ट में रहेगा ही रहेगा, हमेशा कांटेक्ट तो रहेगा ही रहेगा इसका, है ना। बस ये यहाँ पे बीच में जो आपके शिफ्टिंग मैकेनिज्म का प्रयोग करके इन गियर्स को इधर उधर किया जाता है, जो कि आप नॉब और फॉर्क की सहायता से करेंगे। आगे अपन जब गियर बॉक्स पढ़ेंगे, पहला जब आएगा उसमें एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना। अब उससे पहले हेडिंग डालिए आप कि गियर बॉक्स के कार्य क्या क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ गियर बॉक्सेस, हेडिंग डालिए function of gearbox. के कार्य सबसे पहला काम आपका कि जब आपके व्हीकल विराम अवस्था में खड़ा है उस टाइम इसको टॉर्क की आवश्यकता होती है ना। पहला अगर मैं बात करूं तो आपका व्हीकल को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाने के लिए है ना। तो वाहन को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए और इसके लिए आपको क्या जरूरत है, स्पीड या टॉर्क। तो इस समय अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है और इसके लिए बड़ा गियर का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे है ना। तो इसके लिए क्या, फर्स्ट गियर के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ज्यादा टीथ वाले या बड़े गियर का प्रयोग करेंगे। ड्राइविंग के अनुसार स्पीड और टॉर्क में तालमेल करने में। सेकंड इसका काम क्या है, ड्राइविंग यानी आप जब ड्राइविंग करेंगे उसके आधार पर जब आप व्हीकल चला रहे होंगे तो स्पीड ब्रेकर आएगा, कभी कुछ आएगा, तो ड्राइविंग के आधार पर स्पीड व टॉर्क में तालमेल रखना। और दूसरा आपके व्हीकल और सड़क या मैं बोलूं टायर और सड़क के बीच में घर्षण के आधार पर टॉर्क में बदलाव करना, क्योंकि घर्षण मैंने बताया ना बारिश के टाइम है ना, तो वो भी डिपेंड करेगा। तो नंबर 3 टायर वह सड़क के मध्य घर्षण के आधार पर टॉर्क में बदलाव करना। गर्मी का समय है, टायर मान लो सड़क पे चिपक रहा है ना, तो उस केस में क्योंकि आप वहां पे फर्स्ट सेकंड गियर में चलाना पड़ेगा, क्योंकि लोड पड़ेगा गाड़ी पे, टायर चिपकेगा तो है ना, तो आप स्पीड नहीं रख सकते उसमें। आप हो सकता है कि भाई इधर उधर गाड़ी चली जाए, तो वहां पे आपको टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि लोड ज्यादा पड़ेगा उठाने के लिए गाड़ी को। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन थे। कल अपन गियरबॉक्स, पहला गियरबॉक्स आपका पढ़ेंगे, स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स है ना। और मेरा जहाँ तक मानना है कल की क्लास में शायद वो ही कंप्लीट होगा, क्योंकि 4 प्रकार के गियरबॉक्स हैं तो 4 क्लास उसमें लगभग लगेगी मेरे हिसाब से है ना। अपन कोशिश करें क्योंकि अच्छे से समझना है बस वो गियरबॉक्स, और ये चैप्टर खत्म है आपका। उसके बाद इसको गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि गियर शिफ्ट करने का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, तो उसको भी देखेंगे है ना। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। सर को बोलना क्लास चेंज कर दें। कहाँ पे